बॉलीवुड में हीरोज की कई सारी जोड़ियां काफी पॉपुलर हुई है। इन हीरोज की जोड़ी को साथ में ऑडियंस ने काफी पसंद किया है, जिसकी वजह से उन फिल्मों की पॉपुलैरिटी भी काफी बड़ी है जिन फिल्मों में ये जोड़ियां नजर आई थी। ऐसी बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जोड़ी थी अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की, जिन्होंने साथ में कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दिए, जैसे दीवार, सुहाग, नमक हलाल, काला पत्थर और दो पांच। दोस्तों, इनमें से एक फिल्म दो और दो पांच के रीमेक के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जो साल 1980 में रिलीज हुई थी और जो एक कंप्लीट कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था राकेश कुमार ने, फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था सचिन बौमिक ने, कादर खान ने फिल्म के बेहतरीन डायलॉग्स लिखे थे और फिल्म की कहानी ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने लिखी थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से ऑडियंस को काफी एंटरटेन किया है, जिसकी वजह से ये फिल्म काफी मजेदार और एंगेजिंग लगती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ फिल्म के सेकेंड हाफ से काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी एंटरटेनिंग भी है। ओवरऑल इस फिल्म के सारे एस्पेक्ट्स ऑडियंस को काफी पसंद आए थे और ये फिल्म एक अच्छी हिट फिल्म साबित हुई थी। फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक दिया था राजेश रोशन ने और फिल्म के कुछ गाने आइकॉनिक साबित हुए थे, जैसे तूने अभी देखा नहीं और मेरी जिंदगी ने मुझे, जो आज भी काफी पॉपुलर है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम अपने इस वीडियो में फिल्म दो और दो पांच की रीमेक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं फिल्म की स्टारकास्ट के बारे में। शशि कपूर सुनील उर्फ लक्ष्मण के किरदार में, अमिताभ बच्चन विजय उर्फ राम के किरदार में, हेमा मालिनी शालू के किरदार में, परवीन बाबी अंजू शर्मा के किरदार में और कादर खान अंकल जगदीश के किरदार में। दोस्तों, अगर इस फिल्म की रीमेक आज के जमाने में बनेगी तो इस फिल्म में विजय का दमदार और कॉमेडी से भरा हुआ किरदार निभा सकते हैं रणबीर कपूर, वहीं सुनील के किरदार में नजर आ सकते हैं रणवीर सिंह, शालू के किरदार में नजर आ सकती है दीपिका पादुकोण और अंजू शर्मा का किरदार निभा सकती है आलिया भट्ट, अंकल जगदीश के किरदार में नजर आ सकते हैं प्रकाश राज। इस फिल्म के अन्य किरदारों में कुछ नए पुराने चेहरे नजर आ सकते हैं। ये सभी एक्टर्स आज के जमाने में इस फिल्म की रीमेक में इन सभी किरदारों को बेहतरीन तरीके से निभाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं फिल्म की ओरिजिनल कहानी की ओर। विजय और सुनील छोटे मोटे चोर हैं, जो एक दूसरे से नफरत करने के साथ एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं। इन दोनों की बॉस इन दोनों को एक रईस आदमी सेठ माथुर के बच्चे बिट्टू को अगवा करने का काम सौंपते हैं। इस काम को पूरा करने के लिए विजय और सुनील उस स्कूल में काम करना शुरू करते हैं जिस स्कूल में बिट्टू पढ़ रहा है। इसी दौरान स्कूल में राम की मुलाकात अंजू से होती है, जो स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी है, और लक्ष्मण की मुलाकात शालू से होती है, जो स्कूल में डांस टीचर है। अंजू राम और शालू लक्ष्मण से प्यार करने लगती है। जैसे जैसे समय बीतता है, विजय और सुनील के मन में बिट्टू की मासूमियत देखकर उसके लिए उनके मन में प्यार बढ़ता है और वे उसे अगवा करने का प्लान छोड़ देते हैं। इसी बीच अंजू और शालू को विजय और सुनील की असलियत का पता चलता है, जिसके बाद विजय और सुनील अपने आप को बेहतर इंसान बनाने का वादा इन दोनों से करते हैं और क्राइम भरी दुनिया को छोड़ देते हैं। सुनील के बॉस अंकल जगदीश अब बच्चे को अगवा करने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद सुनील और विजय एक होकर अंकल जगदीश के हाथों से बिट्टू को बचाते हैं और अंकल जगदीश और उसकी पूरी गैंग को पुलिस के हवाले करते हैं। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। दोस्तों, अगर इस फिल्म की रीमेक आज के जमाने में बनेगी तो फिल्म की कहानी को आज के दौर से मेल खाने के लिए एक आधुनिक टच दिया जा सकता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इस फिल्म में परवीन बाबी का वॉइस एक वॉइस ओवर डबिंग आर्टिस्ट ने डब किया था। इस फिल्म का टाइटल सीक्वेंस अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर का एनिमेटेड वर्जन था, जो ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर हुआ था, जिसका विजुअल इफेक्ट्स द पिंक पैंथर के स्टाइल से इंस्पायर्ड था। इस फिल्म का गाना प्रेम से हमें जीने दो का ट्यून बच्चों की नर्सरी राइम मैरी हैड अ लिटिल लैम से इंस्पायर्ड था। मैरी हैड अ लिटिल लैम। जब पहले अमिताभ बच्चन को यह फिल्म ऑफर किया गया था तो उन्होंने ये फिल्म करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए राकेश कुमार को चुना, जो अमिताभ बच्चन के बेहद अच्छे दोस्त हैं और जिन्होंने अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में काम करने के लिए मना लिया। इन दोनों ने इससे पहले फिल्म खून पसीना और मिस्टर नटवरलाल में साथ में काम किया था। गाना तूने अभी देखा नहीं तो जाना नहीं को ब्लफ मास्टर में रिमिक्स किया गया था, जिसमें अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने काम किया था और जिसका म्यूजिक विशाल शेखर ने दिया था। तो ये थे इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, अगर इस फिल्म की रीमेक को अगर राकेश रोशन डायरेक्ट करे तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही अगर इस फिल्म का गाना
तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं का और एक वर्जन रिमिक्स बने तो सुनने में काफी मजा आएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या फिल्म की रीमेक हिट होगी या फ्लॉप, और आने वाले वीडियोस में आप किस फिल्म की रीमेक या सीक्वल देखना पसंद करेंगे? आपके विचार और सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इसके अलावा भी यू आर बॉलीवुड के पास आपके लिए बहुत कुछ है। ऊपर दिए गए बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखें। नीचे दिए गए बॉक्स को दबाने से आप वो वीडियोस देख पाएंगे जो YouTube समझता है कि आपको देखना चाहिए। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।